नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज चल रही है, जो कि मतलब पहला मैच जैसा कि आप लोगों को पता होगा बारिश के कारण धुल गया या बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया। तो जो दूसरा मैच है ना, वो दोनों ही टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें चाहे इंडिया की बात करें। साउथ अफ्रीका के कैप्टन एडिन मार्कन चाहेंगे कि पहला मतलब पहला मैच ड्रॉ हो गया, उसके कारण जो दूसरा मैच है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज़ नहीं हारेगी, क्योंकि या तो वो सीरीज़ जीतेगी या तो वो सीरीज़ मतलब बराबरी पर ख़त्म करेगी। तो दोनों ही कैप्टन, चाहे सूर्य कुमार यादव की बात करें चाहे आपके मतलब एडियन मार्किन की बात करें, तो दोनों ही कैप्टन चाहेंगे कि मतलब कल का मैच जीत के वो सीरीज मतलब सीरीज डिफीट नहीं होगा, या तो बराबरी पे ख़त्म होगा या फिर वो मतलब ड्रॉ होगा, मतलब जीतेगी कोई टीम। तो वही उम्मीद है कि दोनों में से जो बेहतरीन टीम होगी वो खेल जीतेगी। और अगर टीमों की बात की जाए तो मतलब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं पहले। साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मतलब चाहेंगे अपनी टीम के लिए मैच जीतना। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका के प्लेयर की, तो उसमें आपके डेविड मिलर हो सकते हैं की प्लेयर की, मतलब कल के मैच में वो बेहतरीन खेल सकते हैं। उसके अलावा उनके कैप्टन जो है एडिन मार्कन, और तीसरे आपके हो गए जो उनके ऑलराउंडर है मार्को जेनसन, और चौथे आपके हेंड्रिक कार्लेसन का आपको पता ही है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है, जो उनका मतलब मारने बॉल को हिट करने की कैपेबिलिटी है, वो बहुत बेहतरीन है और वो बेहतरीन प्लेयर भी है। और अगर बात की जाए बॉलर्स की, तो केशव महाराज को देखने वाली बात होगी कि केशव महाराज कल कैसे खेलते हैं। इन 500 प्लेयर को अगर ये सलसते में आउट कर लेते हैं या फिर केशव महाराज के खिलाफ थोड़ा ठीक ठाक से खेल लेते हैं, तो मैच को मतलब जीतना इंडिया के लिए आसान होगा। अगर इंडियन टीम की बात करें की प्लेयर्स की, तो इसमें आपके रिंकू सिंह, जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी उसमें भी इन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया था। उसके अलावा जो श्रेयस अय्यर है, उनका भी फॉर्म ठीक ठाक है, वो भी मतलब की प्लेयर हो सकते हैं। और अगर तीसरे प्लेयर की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव, उनका कैप्टन का अगर देखा जाए सूर्य कुमार यादव का लास्ट सीरीज, तो उन्होंने वही इतना बेहतरीन नहीं खेल दिखाया था, बट कैप्टनसी उन्होंने अच्छी खरी थी जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीते थे। मात्र एक मैच में उन्होंने 80 रन बनाए थे, उसके अलावा कोई इम्पैक्टफुल पारी नहीं खेल पाए थे। तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी प्रेशर होगा, क्योंकि उनको रन बनाने होंगे अगर कल का मैच जीतना है। और अगर बात की जाए रविंद्र जडेजा, तो रविंद्र जडेजा आपके वर्ल्ड कप मतलब जो वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज वगैरह नहीं खेले, उनको आराम वगैरह दिया गया था। तो आपके रविंद्र जडेजा भी वापसी कर रहे हैं, और उसमें आपके जो बॉलर अगर बात की जाए उनकी बॉलिंग की चाहे उनकी बैटिंग की, दोनों ही बहुत बेहतरीन कराते हैं वो लोग। और अगर उसकी बात की जाए पाँचवें प्लेयर जो इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, मोहम्मद सिराज ने वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई, और उम्मीद है कि कल की वो बेहतरीन बॉलिंग कराएंगे। वो भी मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रेस्ट लिया था उन्होंने। तो यही कुछ प्लेयर्स वगैरह है जो कि इम्पैक्टफुल पारियां वगैरह खेल सकते हैं, और कल का मैच जीतना दोनों ही टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो सीरीज़ नहीं हारेगा, या तो बराबर में ख़त्म करेगा या फिर वो सीरीज़ जीत के ख़त्म करेगा। तो इसीलिए एडियन मार्किन के लिए भी और सूर्य कुमार यादव के लिए भी मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और होपफुली उम्मीद है कि मतलब इंडियन टीम सूर्य कुमार यादव कल का मैच जीतेंगे, और इंडिया को मतलब कोशिश करेंगे कि मतलब सीरीज़ में 1-0 की लीड दिलाई जाए, और लीड दिला के मतलब कम से कम सीरीज़ ना हारे या तो सीरीज़ बराबर पे ख़त्म हो। तो देखते हैं कल का मैच, जो भी टीम बेहतरीन खेलेगी वही टीम जीतेगी। और जो मैच है आपका पोर्ट एलिजाबेथ में है साउथ अफ्रीका में, तो इंडियन टाइम के अनुसार 8:30 बजे के करीब शायद मैच स्टार्ट होगा। तो देखते हैं मैच वगैरह में क्या होता है, जो भी होगा मैच में वो वीडियो वगैरह आपके सामने आएगी। तो वीडियो वगैरह देखने के लिए धन्यवाद।